हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्याय परिवहन एवं संचार के भाग एक पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिवहन के परिचय पर, स्थल परिवहन पर, स्थल परिवहन में सड़कों पर, सड़कों के घनत्व पर, महामार्ग पर और सीमावर्ती सड़क पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम परिवहन के परिचय से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक क्रियाकलाप और बाजार, ये सभी एक स्थान पे हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अतः यहाँ पे हमें इन सभी को जोड़ने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। बच्चों, प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहां आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हैं, और ऐसी वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवहन जो है वस्तुओं को तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली प्रक्रिया है। बच्चों, अगर हम बात करें आधुनिक समय में, तो इस समय में मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन क्रियाओं एवं व्यापार के लिए परिवहन साधनों का होना एक अहम आवश्यकता बन गई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा अपनी परिवहन पे जारी रखेंगे। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे परिवहन की विधाएं पर। परिवहन बच्चों, कई स्थानों को, जिसको हम नोड्स कहते हैं, एक पैटर्न बनाने के लिए, मार्गों, जिसको हम लिंक कहते हैं, कि एक श्रृंखला से जुड़े हैं, जिसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कि परिवहन के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से परिवहन चार प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन के द्वारा। जब हम बात करें स्थल परिवहन की, तो इसमें सड़क, रेलवे और पाइपलाइन आते हैं। वहीं पे जब हम बात करें जल परिवहन की, तो इसमें समुद्री मार्ग और आंतरिक जल मार्ग आते हैं। वायु परिवहन में राष्ट्रीय वायु मार्ग और अंतरराष्ट्रीय वायु मार्ग आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम चर्चा करेंगे स्थल परिवहन पर। बच्चों, अधिकांशतः वस्तुओं एवं सेवाओं का जो संचालन होता है वो स्थल पर ही होता है। चलिए थोड़ा सा हम स्थल परिवहन के डेवलपमेंट या विकास पे प्रकाश डालते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आरंभिक दिनों में, अर्थात जब राजा महाराजा का टाइम हुआ करता था, तो उस समय जो है वाहनों और वस्तुओं को ढोने के लिए पालकी का इस्तेमाल होता था। बच्चों, जिस प्रकार मनुष्य की सोच बढ़ती गई, उसी प्रकार विकास भी होता गया, और अब सामान और व्यक्तियों को ढोने के लिए पशुओं का इस्तेमाल होने लगा। बच्चों, आज के दौर में भी आपने गांव के साइड में देखा होगा कि किस प्रकार पशुओं का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, इसी प्रकार धीरे धीरे विकास होता गया और पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार के बाद पहिया युक्त पशु गाड़ी का भी आविष्कार हुआ, जिसके कारण परिवहन पहले के अपेक्षा थोड़ी सुलभ और आसान हो गई थी। बच्चों, परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप इंजन के आविष्कार के बाद आई। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि किस प्रकार भूमि परिवहन का
निरंतर विकास होते गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सड़क परिवहन अर्थात स्थल परिवहन पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद क्रांति आई, जिसने आंतरिक दहन इंजनों के आविष्कार के साथ साथ रेलवे और रोडवेज की शुरुआत की। बच्चों, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ और उसके बाद से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे तेज चलने वाली परिवहन के रूप में गिना जाने लगा। बच्चों, स्थल परिवहन में नए साधनों में पाइपलाइन, राजमार्ग और तार मार्ग शामिल हैं, जिनका विकास बाद में या कहें तो जिनका नवीनतम विकास हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम स्थल परिवहन में सबसे पहले सड़कों पे चर्चा करेंगे। बच्चों, छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टिकोण से काफी लाभदायक है, यहाँ तक कि यह अपनी डोर टू डोर सेवा के कारण भी माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों, सड़कों द्वारा माल का परिवहन दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होते जा रहा है। अगर हम बात करें कि सड़कें मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला धातुकृत सड़कें और दूसरा असिंचित सड़कें। बच्चों, धातुकृत सड़कें जो होते हैं वे सभी मौसम वाले सड़कें कहलाते हैं, क्योंकि ये सड़कें धातु, बालू, कंक्रीट आदि के बने होते हैं। परंतु इसके बावजूद इस प्रकार की सड़क भी भारी वर्षा और बाढ़ को सहन नहीं कर पाते और उस समय ये भी खराब हो जाते हैं। बच्चों, धातुकृत सड़कों को कॉमनली पक्की सड़क भी कहा जाता है। जब हम बात करें असिंचित सड़कें अर्थात कच्ची सड़कें, तो ये अपने सरल निर्माण के कारण सभी मौसम में उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की सड़कें जो है मिट्टी से बनती हैं और वर्षा के दिनों में इन पे परिवहन करना काफी मुश्किल हो जाता है। बच्चों, विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में सड़कों की गुणवत्ता, निर्माण और रखरखाव बेहतर है, क्योंकि इसके लिए भारी खर्च की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सड़क के घनत्व पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, विश्व की कुल मोटर योग सड़क की लंबाई केवल 150 किलोमीटर है, जिसका 33वां भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। दोस्तों, आप ऊपर दिए गए टेबल के द्वारा विभिन्न देशों में सड़कों की लंबाई के बारे में जान सकते हैं। आप ये भी जान लें कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में ज्यादा पाए जाते हैं, और यह इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तर पे समानता के स्थान पे असमान वितरण देखा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे यातायात प्रवाह पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात नाटकीय रूप से बढ़ गया है, पर जिस प्रकार सड़कों पर वाहनों में वृद्धि हुई है, उसके अनुपात में सड़कों की गुणवत्ता और परिवहन तंत्र में वृद्धि नहीं हुई है, जिसके कारण
सड़कों पे भार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बच्चों, आप इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि किस प्रकार सड़कों पे पूरे दिन जाम लगा हुआ रहता है। बच्चों, यह भीड़ सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि सड़क जो है या सड़क नेटवर्क जो है वो यातायात की बढ़ती मांग का सामना नहीं कर पा रहा है। बच्चों, सड़कों पे मुख्य रूप से दो समय सबसे ज्यादा भीड़ होती है। पहला है सुबह के टाइम पे जब लोग काम के लिए निकलते हैं और दूसरा शाम के टाइम पे जब लोग काम से वापस आते हैं। बच्चों, इस प्रकार सड़कों पे बढ़ती हुई भीड़ के कारण आए दिन आपने रोड एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटना के बारे में सुना होगा। आप यहाँ पे ये जान ले कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे हाईवे अर्थात महामार्ग पर। तो दोस्तों, ये जो महामार्ग होते हैं वे दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़क होती हैं और इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि बिना बाधा के यातायात का आवागमन हो सके। दोस्तों, यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुल, फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त यह 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महामार्गों से जुड़े हुए होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अमेरिका महामार्ग पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है और प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण में मेक्सिको के नगर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत को वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकरेज से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम रूस महामार्ग पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेशों में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है जिसकी धुरी मास्को है। मास्को बाल्टी वोल्स्टक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। दोस्तों, रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि रेल मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चीन महामार्ग पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। ये शानसो जो कि वियतनाम सीमा के समीप स्थित है, संघाई जो कि मध्य चीन में स्थित है, ग्वांगझाओ जो कि दक्षिण चीन में स्थित है एवं बीजिंग जो कि उत्तर में स्थित है, इन सभी को परस्पर जोड़ते हैं। दोस्तों, एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेंगडू को ल्हासा से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम भारत महामार्ग पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो कि
वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। निर्माधीन स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगरों जैसे कि नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। चलिए अब हम अफ्रीका महामार्ग पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अलीजियर्स को गुआना के कोनाक्री से जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो केप टाउन से जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीमावर्ती सड़क पर चर्चा करते हैं। मित्रों, किसी देश में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को ही सीमावर्ती सड़क कहा जाता है। ये सड़कें दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने व प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मित्रों, प्रायः सभी देशों में गांव एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं का पहुंचाने के लिए भी ऐसी सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने परिवहन के परिचय पर, स्थल परिवहन, सड़कें, सड़कों का घनत्व, महामार्ग तथा सीमावर्ती सड़क पे चर्चा की और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, अगले वीडियो में हम रेल मार्ग मुख्य देशों में, महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग और विश्व के प्रमुख रेल मार्ग पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।